नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज दोपहर के समय पूर्व मंत्री आलोक शाक्य की मां के निधन हो जाने के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान को लेकर कहा कि जिसके एक बयान ने पूरे देश में तनाव जैसी स्थिति पैदा कर दी है, ऐसे बयान देने वालों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी भंग होने को लेकर बोले कि तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की शिकायत आ रही थी, जिसके चलते अखिलेश ने कार्यकारिणी भंग की है। जल्द ही दोबारा कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिससे पार्टी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। उदयपुर वाली घटना जो है वो देश भर में इसमें चर्चा का विषय है, आपकी क्या राय है उसमें, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या? वो तो चर्चा का विषय ही नहीं, पूरे देश में वो घटना की वजह से तनाव भी है। और आपने देखा वो सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो कहा है, इस देश में केवल एक बयान आया जिसने पूरे देश में तनाव का माहौल पैदा कर दिया, इसलिए जिसने बयान दिया था उसको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिन लोगों ने जो घटना की है इनके खिलाफ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से जितनी जल्दी इनको दंडित करने की कार्रवाई हो उतना जितनी जल्दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश के फ्रंटल की जो निरस्त कर दी है सारी जो कार्यकारिणी बनी हुई थी, क्या वजह रही, क्या लगता है आपको? कार्यकारिणी नए सिरे से गठित होगी, संगठन के बारे में तमाम तरह की हर जगह शिकायतें थी, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत थी। अब पहले हर जिले में कोई ना कोई एक प्रभारी बनाया जाए और एक महीना पार्टी का सदस्यता अभियान होगा, उसके बाद विधिवत इसका निर्वाचन होगा, जो ठीक लोग हुए वही अध्यक्ष लेकर ऊपर तक जा सके। नेताओं के चक्कर लगाने वाला कोई नहीं बन सकता। प्रभु साहब, समाजवादी पार्टी दोनों सीटें हारी है उपचुनाव में, इस पर क्या रामपुर और आजमगढ़ क्या वजह लग रही है? कोई जीतता है कोई हारता है, अब वजह पे तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे।